हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स। होता क्या है? एक डिवाइस है लेंथ मेजर करने का। स्केल से कितना डिफरेंट है? स्केल जो आपका ऑर्डिनरी मीटर स्केल होता है, इट हैज लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm। व्हाट इज लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय अ मेजरिंग डिवाइस। ओके, तो जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। ऑर्डिनरी मीटर स्केल 1 mm से नीचे नहीं मेज़र कर सकता, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स 0.1 mm तक मेज़र कर सकता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, मेटल का एक फ्रेम। इस पे ऑर्डिनरी जो हमारी स्केल होती है मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड, वो बना होता है। ये ज़ीरो हो गया, 1 cm ऐसे, 2 मैंने बाकी बनाए नहीं, इट वॉज सो टाइम कंज्यूमिंग। ओके, ये अपर जॉज हैं, लोअर जॉज हैं। यहाँ पे एक स्क्रू भी लगा रहता है जो इसे टाइटली होल्ड करता है, और नीचे एक रोलर लगा रहता है। वो मैंने अभी बनाया नहीं। पीछे एक स्ट्रिप है, ये भी मेजरमेंट के काम आती है। एंड नाउ सी द सरप्राइज। सरप्राइज्ड? फ्यू मोर सरप्राइजेस। राइट, आई थिंक इतना काफ़ी है। ओके, तो ये तीनों पार्ट मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं। लाइक इफ वी हैव दिस बॉटल कैप, इसका इनर डायमीटर निकालना है, तो हम इसे ऐसे करके इसमें होल्ड करेंगे। आउटर डायमीटर निकालना है तो इस तरीके से इसे होल्ड करेंगे। और अगर इसकी डेप्थ मेजर करनी है तो ये जो स्ट्रिप है, लाइक दिस, जितनी है उतना नीचे इसे ड्रॉप करेंगे। ऑलराइट, सो एक्चुअली ओरिजिनल वर्नियर कैलिपर्स का मैं अरेंजमेंट करता, बट ड्यू टू लॉकडाउन मैं कहीं जा नहीं सकता, और मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स है भी नहीं अभी। स्टिल ये काफ़ी है, इसी से समझ लेते हैं। अभी तक जितना भी पार्ट था वो सारा इसका मैकेनिकल पार्ट है। अब आते हैं हम इसके उस पार्ट पे जिससे हम इससे मेजरमेंट लेते हैं। तो यू कैन सी, ये जो मेन इसमें एक प्लेट है उस पे ऑर्डिनरी स्केल बनी है, एंड इट इज़ कॉल्ड मेन स्केल। और ये जो है इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। अब इस पे मार्किंग करूंगा नहीं, क्योंकि कहीं पे भी मैं इसे रख सकता हूँ। तो मेन स्केल हमारा मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड होता है, जो हमारा जो ऑर्डिनरी जो तरीका है ही। और जो यहाँ पे इस फ्रेम पे आपको कुछ डिविजन्स दिख रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा ये भी मिलीमीटर के जैसा है, लेकिन ये नहीं है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी, जो इस डिवाइस को स्पेशल बनाता है। नाउ यू कैन सी, इसके 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन्स के इक्वल हैं, और यही पॉइंट जो है ये इसके मेजरमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो पहला पॉइंट आता है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए जो मेथड है वही इसका प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो लीस्ट काउंट क्या है? पहले मैंने आपको बताया लीस्ट काउंट इज द मिनिमम और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू विच अ मेजरिंग डिवाइस कैन मेजर। यहां पे इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 MSD -1 VSD। महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू -1 वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू ये हमें पता है, इसके वैल्यू हम जानते हैं, ये 1 mm है।
लेकिन वन वर्नियर स्केल की वैल्यू ये हमें नहीं पता, तो ये कैसे निकलेगी, ये होती क्या है, इसका एक डिवीजन कितने के बराबर होता है? तो यहीं पे आता है इसका प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर है वो ये है, इसमें जो डिवीजन्स बनाए रहते हैं वो इस तरीके से बनाए रहते हैं कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनमें ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसा भी बनाया जा सकता है, बट इन जनरल ये होता है वर्नियर के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन्स के बराबर होता है। इसका मतलब 10 VSD, 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उनकी वैल्यू 9 mm के बराबर होगी। ये कैसे हमें पता चला? एक्चुअली मेन स्केल जो है वो मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है, उसके 9 डिवीजन अगर हम ले रहे हैं इसका मतलब 9 mm। सो 1 VSD इक्वल टू सिंपल मैथमेटिक्स, 10 इसके अपॉन में चला जाएगा, एंड दैट इज 0.9 mm। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, तो ये हो जाएगा 0.9। एक्चुअली ये काम आपको यहां करना था, लेकिन अगर यहां करते तो उस समय आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आता कि हमने किया क्यों है। नाउ सब्ट्रैक्ट, इट इज 0.1 mm। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा लीस्ट काउंट फाइंड करने का वर्नियर कैलिपर्स का, तो आपको पता होना चाहिए एक इसमें रिलेशन दिया जाएगा कि कितने वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने मेन स्केल के बराबर हैं, उससे आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद 1 MSD माइनस 1 VSD। बट थियोरेटिकली चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। इन जनरल आपको एक और तरीके से इसे अपनी तरफ से एज्यूम्ड वैल्यूज लेके लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो लेट 1 MSD इज इक्वल टू एक्स, एक मेन स्केल डिवीजन एक्स यूनिट्स के बराबर है, और कुछ ऐसा इंतजाम हो रखा है कि एन वर्नियर डिवीजन्स आर इक्वल टू एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। तो क्योंकि ज्यादातर हम ऐसा ही इसे डिजाइन करते हैं, ये और भी तरीके से हो सकता है, पर हम इसे जनरली ऐसे डिजाइन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n VSD इक्वल टू n-1 x यूनिट्स, जो भी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, वॉट एवर। तो 1 VSD इक्वल टू n-1 x, ये n कहाँ जाएगा? आई होप आप लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी होगी। नाउ लीस्ट काउंट 1 MSD-1 VSD, 1 MSD x-1 VSD, n-1 x अपॉन n। सिंपल मैथमेटिक्स, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इन केस अगर आप तब भी कोई स्ट्रगल फील करते हैं तो यू कैन पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, और आई होप ये समझ गए होंगे। ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। देखिए इधर से माइनस साइन गया, इधर से एक्स गया अपॉन एन। सो फाइनली इट इज एक्स अपॉन एन। एक्स क्या था? 1 MSD की वैल्यू। एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इसीलिए इसे ऐसे भी कह देते हैं, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये एक दूसरा इसका एक और तरीका है फॉर्मूले के लिए, जब पूछा जाए सिर्फ ये तभी करना। नाउ नेक्स्ट,
हाउ टू टेक मेजरमेंट्स। ओके, तो मेजरमेंट्स लेने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, तो वैल्यूज ली कैसे जाएंगी। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें मेन स्केल। ओ स्ट्रिक गड़बड़ हो गई। ऑलराइट, सबसे पहला पार्ट आता है इसमें मेन स्केल रीडिंग। तो वेल मैं इधर लिख देता हूं इसे, मेन स्केल रीडिंग। तो जो मेन स्केल रीडिंग है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इट्स बेटर। मेन स्केल रीडिंग कैसे पता चलेगी, ये जो वर्नियर का पहला मार्क है इस पे देखो, इससे इधर आपको क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है। इन केस ये आगे कुछ और होता, जैसे जैसे ये होता, ऐसा कुछ होता। ओके, तो ये हो गया, तो हमें पता है वन, और ये दो डिवीजन है तो 1.2। ये कुछ होता तो हम कह देते 1.3, 1.5। देखिए कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट उस पे रहेगा, लेकिन ये रहा तो 1 point, हमें थोड़ा तो सा क्लोज लेना पड़ेगा इसे। देखिए अगर यहां कहीं पे होता तो अभी 1 कंप्लीट तो है नहीं, तो इसे कहते हैं हम 0.8, 8 क्योंकि कंप्लीट है, 0.9, अभी भी 0.9, 1 अभी भी 1, 1.1। आई होप आप समझ रहे होंगे, यानी कि ये जो पहला मार्क है ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के सामने इसकी इसकी लेंथ अगर मेजर करता, तो 0 से लेके और जहाँ तक की इसकी लेंथ होती है, जैसे ही अगर मैं केवल यहाँ से मेजर करता हूँ, तो इसे क्या रीड करते हम, इसे हम रीड करते 1.3, टिप तक देखिए 1.3। तो वैसे ही ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 से थोड़ा सा आगे है, पर 1.1 नहीं है, 1 से थोड़ा आगे है बस। तो हम मेन स्केल रीडिंग में लिखेंगे 1। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए आपकी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए। ओके, नाउ सी, ये देखिए कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन, पहले वाले को 0 का हो गए, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ जस्ट कोइंसाइड कर रहा है। जस्ट कोइंसाइड का मतलब वो होता है कि ये सिचुएशन आनी चाहिए, जैसे ये है एग्जैक्टली ऊपर की लाइन बिल्कुल नीचे की लाइन के साथ कोइंसाइड होती हो। तो यू कैन सी यहाँ पे, आप देखिए पहले वाले को 0 कहना है, 0, 1, 2, 3, 4 भी कह सकते हो, लेकिन 3 ज्यादा ही बिल्कुल मैच कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक डिबेट हो सकता है कि 3 है या 4 है। मैं 3 लेके चल रहा हूँ, 1, 2, 3। तो मेन स्केल रीडिंग तो हमारी हो गई 1 mm, नहीं 1 cm एक्चुअली। ओके, जो वर्नियर स्केल डिवीजन है जिसे हम कोइंसाइडिंग डिवीजन भी कहते हैं, वो हमारा आया था 3, n=3। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो इस एन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके निकल जाती है, यानी कि 3 × जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 mm। तो ये हो जाएगा 0.3 mm, और इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 0.03 cm। तो टोटल रीडिंग क्या हुई, जो नेट रीडिंग है वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, दैट इज 1.03 सेंटीमीटर। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, आप ट्राई कीजिए, अगर किसी मेजरमेंट में आपको ऐसा दिखता है तो इस मेजरमेंट को क्या कहोगे। मेजर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। नेक्स्ट,
ये डिवाइस इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो मेनली हम जो जिस एरर की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं जीरो एरर। ये आपने वैसे कुछ जगह देखा भी होगा, जैसे वेइंग मशीन होती है, पहले ही उसमें कुछ रीडिंग आई रहती है, उसके बाद उसे जीरो करना पड़ता है। अपना आई होप आप लोगों को इसका पता हो। एनीवे, मैंने ये बताया था कि इसके जॉज जॉइन रहते हैं, जब जॉइन रहते हैं तो वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करते हैं। अगर ऐसा ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो वो उस केस में आप कहेंगे कि देयर इज नो जीरो एरर। इस केस में नो जीरो एरर। दूसरा, जब अगर जॉज जॉइन करने के टाइम पे जो मेन जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे आ जाए, याद रखिए इसी के हिसाब से नापा जा रहा है, इसी के हिसाब से मेजरमेंट ली जा रही है, तो जब वो जब वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड पे आ जाए तो इसे नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। और जब जॉज को ज्वाइन करने में, ये मान के चलिए जॉज ज्वाइन हो रखे हैं, जॉज को ज्वाइन करते समय वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में आ जाए, देन इट इज पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव याद रखिए, पॉजिटिव बहुत इजीली याद रह जाएगा। जब आप यहां पे कोई चीज अटैच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वर्नियर जीरो गोज टूवर्ड राइट दैट ऑफ मेन स्केल जीरो। अगर जॉस को ज्वाइन करने के बाद भी वो राइट साइड में ही है तो ये तो एक्स्ट्रा रीडिंग आ गई ना, देन दिस एक्स्ट्रा रीडिंग इज कॉल्ड जीरो एरर। ज्वाइन कर दिया, इतनी रीडिंग तो कवर करनी पड़ेगी ना पहले, तो ये हो गया नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो ये जो जीरो एरर होता है ये हमारे दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव तब जब वर्नियर का जीरो वर्नियर का मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में हो, नेगेटिव तब जब मेन स्केल का जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड में हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, इस जीरो एरर को से हम करेंगे क्या? इस अगर ये हो गया तो फिर हम हमारा डिवाइस तो गलत रीडिंग देगा, तो इसमें हम करेंगे क्या? तो इस जीरो एरर से बचने के लिए एक चीज की जाती है, उसे कहते हैं हम कि हम जीरो एरर को फाइंड करेंगे। तो पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू प्लस, साइन रखा जाएगा उसका, प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। यहां भी नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, हाँ एग्जैक्टली। अगर ये ज्वाइन करने के बाद भी कुछ साइड में आ रखा है तो फिर से यहाँ कुछ कंडीशन होगी, कोइंसाइडिंग डिवीजन मिलेगा। तो यू कैन सी जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव जीरो एरर है, और कौन सा डिवीजन आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं? ये तो काफ़ी सारे कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली ये क्या है, हैंड ड्रॉन है, तो इस वजह से थोड़ा सा और इधर कर देते हैं ताकि आपको एक अच्छा लुक मिले। हाँ दैट्स गुड। अब 10, 9, 8, 7, 7th डिवीजन, 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, तो वीडियो को पॉज करके आप उसे जूम कर सकते हैं, मुझे 7th डिवीजन लगा। तो जो लीस्ट का जो जीरो एरर होगा वो हो जाएगा, प्लस लिखना जरूरी है, 7 into least count 0.1 mm विच इज इक्वल टू प्लस 0.7 mm, दैट इज 0.07 mm। ऐसे अगर नेगेटिव जीरो एरर हुआ, फिर से देखते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ
दिस इज मच बेटर। ओ गॉड, वन टू थ्री फोर, आई थिंक फोर्थ इज कोइंसाइडिंग। ओके ऑलराइट, सो नेगेटिव जीरो एरर। तो ऑलराइट, वंस अगेन वही है, माइनस लगाएंगे एन इनटू लीस्ट काउंट लिख देंगे। फोर आया था हमारा 0.1, दैट इज माइनस 0.4 mm, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 0.04 cm। तो अब करना क्या है, ये जीरो एरर है और मान लिया हमारी कोई मेजरमेंट आई, जैसे ऊपर ही जो हमारी मेजरमेंट आई थी 1.03, ये हमारी मेजरमेंट थी, इसके साथ जीरो एरर का करना क्या है। तो रिमेंबर पॉजिटिव जीरो एरर में वो वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई थी, एडिशनल आ गई थी, ये वैल्यू एडिशनल आ गई है, तो इसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग द जीरो एरर, आप लोग खुद सब्ट्रैक्ट कर लेना, मैथ्स अच्छी है ये आप लोगों की। सी एम एंड में सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, नहीं लिखा मार्क्स कटेंगे। हियर ऑल्सो जो नेट रीडिंग है, वैसे यहां नेट रीडिंग या जीरो एरर रिजॉल्व्ड रीडिंग, इसमें इतना और जुड़ जाएगा, कहने का मतलब यानी कि साइन के साथ, साइन के साथ हमें जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट किया बट आप जानते हैं कि साइन के साथ आया है, इसलिए वो इसमें ऐड हो जाएगा। आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि ये साइन ना लगाएं और डायरेक्ट पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करते हैं और डायरेक्ट नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करते हैं, बट फिर भी ये थोड़ा सा जो सही तरीका है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो हमें करना क्या है एक्चुअली, जो जीरो एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें ये करना है कि जो उसकी रीडिंग है, जो नेट रीडिंग होगी वो होगी हमारी ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर विद साइन। पॉजिटिव जीरो एरर था तो माइनस करना है विद साइन, नेगेटिव जीरो एरर था माइनस करना है विद साइन। आई होप ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी इजीली समझ में आई होंगी चीजें। अब हम इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे और फिर आप लोग अपनी कुछ पर्सनल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। हम जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन एमएम, यानी कि वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ ऑफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड 35 डिवीजन एंड 4 डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन, फाइंड लीस्ट काउंट रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, तो पहली बात कि सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग फोकस। हाँ, हम कहेंगे 1 msd इज इक्वल टू 1 mm। उसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन है कि 19 मेन स्केल 20 वर्नियर के बराबर है, यानी कि 20 vsd इज इक्वल टू 19 msd, यानी कि 19 mm। तो 1 vsd इज इक्वल टू 19/20 mm। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होंगी, इसे डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.95। चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन उतनी ईजी नहीं, अच्छी नहीं है। ओके, नाउ लीस्ट काउंट 1 msd माइनस 1 vsd, 1 msd 1 mm माइनस 1 vsd 0.95 mm, 0.05 mm। फर्स्ट पार्ट डन। नेक्स्ट, मेन स्केल के 35 डिवीजन, यानी कि मेन स्केल रीडिंग कितना रहा, 35 डिवीजन है, 35 mm हो गया, और वर्नियर का फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है, एन 4 है। देखिए इसमें जीरो एरर की कहीं बात नहीं है, तो ये वाला एन ऑर्डिनरी जो कोइंसाइडिंग डिवीजन होता है वो होता है। वी एस आर हो जाएगा आपका एन इंटू लीस्ट काउंट, यानी कि 4 × 0.05, दैट इज 0.20, 0 लगा लो कोई बात नहीं, mm। तो जो नेट रीडिंग आएगी इससे, वेल इससे मेजर क्या कर रहे हैं, डायमीटर मेजर कर रहे हैं, रेडियस पूछ रखा है, नॉट अ बिग इशू। तो जो डायमीटर निकलेगा वो निकलेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, दैट इज 35.20 mm।
यहाँ के जीरो लिखना जरूरी है क्योंकि ये डेसिमल के सेकंड प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये बताना जरूरी है। तो जो रेडियस हो जाएगा, आप पे छोड़ रहा हूँ, डू इट योरसेल्फ। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वर्नियर एज मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 9 mm। ठीक है, ये ऑर्डिनरी जैसा हमें पता है वैसे ही है। व्हेन टू जॉज आर इन कॉन्टेक्ट, जीरो ऑफ वर्नियर इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जीरो एरर, सोचिए। 3rd डिवीजन कोइंसाइड्स, लीस्ट काउंट निकालेंगे, लीस्ट काउंट सिंपली निकल जाएगा, ये तो ऑर्डिनरी वाला है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 1 MSD 1 mm हो जाएगा और 1 VSD आप इस इंफॉर्मेशन से निकाल लेंगे, वही वही सब है, 0.9 निकल के आएगा। तो सीधे कह रखा है ना, 10 VSD 9 mm के बराबर है, तो 10 9 mm के बराबर है, तो 1 9/10 हो जाएगा, तो ये सिंपल ही है। और उसके बाद जो लीस्ट काउंट आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जीरो एरर आ जाएगा। ऑलराइट, सो ऐसी एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन वर्नियर कैलिपर्स देयर आर 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट। इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं वो, कि 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि एक पार्ट जो है, एक डिवीजन जो मेन स्केल का है वो 1 mm हो गया ऑब्वियसली। और नेक्स्ट, वाइल मेजरिंग लेंथ जीरो वर्नियर लाइज जस्ट अहेड 1.8 सेंटीमीटर मार्क, तो इसका मतलब समझ रहे होंगे आप। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो क्या हो गया, 1.8 मेन स्केल रीडिंग हो गई, 4 डिवीजन मिल रहा है, 4 से लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें ऐसा नहीं दे रखा कि उसके उतने डिवीजन उसके उतने डिवीजन से मैच करते हैं, ऐसा नहीं दे रखा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल 1 सेंटीमीटर मत रख देना, 1 सेंटीमीटर तो 10 डिवीजन्स का है, एक डिवीजन का आएगा 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm कह सकते हो, तो 1 mm/10 आ जाएगा। इन्हें ट्राई कीजिए, इन सब के सॉल्यूशंस फिर हम, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो इन सब के सॉल्यूशंस मैं आगे बना दूंगा। कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो थोड़ा सा हायर लेवल की क्वेश्चन हैं, पर आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो आज का असाइनमेंट सिर्फ इतना ही है, और ये सेलिना बुक है मेरे पास, मैं इसे रेफ़र कर रहा हूँ, और आपके पास अगर आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं या फिर मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हैं। और जितने क्वेश्चन मैंने अभी करवाए ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाय बाय।